नमस्कार, इज्यूम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। पहले तो भाई आप सभी को बहुत बहुत सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था मैं DNYS डॉक्टरी का जो कोर्स है नेचुरोपैथी का डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा सेकंड ईयर के जून में एग्जाम है तो उसके पेपरों की तैयारी चल रही, तो ज्यादा वीडियो मैं नहीं दे पा रही हूँ आपको। तो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद रेगुलर वीडियोज आएंगी। तो मैंने देखा मेरे जो वीडियोस में बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए हैं कि वो कह रहे मैम कोई सेहत बनाने का कोई आसान सा तरीका बताइए जिससे कि मतलब जो पतले दुबले लोग हैं वो उनकी सेहत बन सके। तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये उनके लिए बता रही हूँ जो बड़े लोग हैं। तो मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लेना, अगर छोटे बच्चों को देनी है तो उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर लेना। तो देखिये आपको लेनी है किशमिश, जो अपने वो छोटी वाली किशमिश होती है ना, मुनक्का होता है एक किशमिश होती है, तो आपको किशमिश लेनी है। तो किशमिश आप कम से कम 25 या 30 दाने किशमिश के ले लेना, जो भी पतले दुबले चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। शुगर नहीं होना चाहिए, शुगर वालों को किशमिश नहीं खानी है। तो 25-30 दाने आप किशमिश के ले लेना, उसको रात को आपने पानी में भिगो कर रखना है। फिर सुबह आपने क्या करना है, एक ग्लास दूध लेना है और दूध में उस किशमिश के जो 25-30 दाने आपने रात को भिगो कर रखे थे पानी उसका निकाल देना और अच्छे पानी में भिगोना, जो पीने वाला पानी होता है ना उसमें भिगोना। तो उस पानी को आप पी भी सकते हो, फिर पानी में से आपने निकाल दिया उस पानी को आपने पी लिया और वो जो किशमिश है उसको आपने दूध में उबालना है, एक ग्लास दूध जितना पी सके। तो आपने जब दूध में एक उबाल आ जाए तो किशमिश डाल देना, फिर एक मिनट और उबाल लेना, बस इतना ही, ज्यादा नहीं उबालना है। फिर आप नीचे उतार लेना उसको, जब गुनगुना सा हो जाए तब आपने किशमिश के दाने खाते जाना है और दूध पीते जाना है, चबा चबा के किशमिश जो है वो आपने खा लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कम से कम आधा घंटा रुकेगा और आधे घंटे बाद आपने 2 केले खाने हैं। तो जो भी पतले दुबले लोग हैं वो तुरंत ही उनका जो वेट है वो बढ़ने लग जाएगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहें जी मैम हम बनाना शेक पी लें क्या, बनाना शेक नहीं पीना है, बनाना शेक हजम नहीं होगा, बहुत हैवी होता है, जो भी बनाना शेक पीते हैं वो जल्दी से हजम नहीं होता है। तो वैसे ले सकते हैं आप पहले दूध और उसके आधे घंटे बाद बनाना, या पहले बनाना और उसके आधे घंटे बाद दूध, तब आपको वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इस उपाय को आप आजमा कर देखिए और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगी। और मेरा ये जून का एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं आपको नेचुरोपैथी में, देखिए हमें बहुत ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं, ऐसी चीजें मैं पढ़ रही हूँ कि हम नेचुरल तरीके से अपने जो शरीर है उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, देखिए फर्स्ट ईयर का मैंने आपको रिजल्ट अपना बता ही दिया था, फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो चुका है, सेकंड ईयर जून में एग्जाम है तो बस उसी की पढ़ाई कर रही हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।